हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज हम करने वाले हैं वॉट आई ईट ऑन अ संडे व्लॉग। सो आज सुबह सुबह 5:30 बजे उठ के मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी मूरथल अमृत सुखदेव मस्त सब ब्रेकफास्ट करने के लिए, बेसिकली पराठे वगैरह खाने के लिए। सो हेयर आर वी इन अमृत सुखदेव। सो आई गॉट द बेसिक आलू प्याज पराठा, मतलब हम तीनों ने सेम ही लिया था। एंड इस पर यह वाइट मक्खन था अच्छा खासा बड़ा। एंड हमने इस बात ली थी लस्सी एंड शोबिंग ली थी चाय, एवरीथिंग वॉज गुड। लस्सी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, बट पराठा तो ऑब्वियसली अच्छा होता ही है जिस चीज़ के लोग फेमस हैं। आई थिंक मैं 2 साल के बाद अमृत सुखदेव गई थी एंड इतना बढ़िया ब्रेकफास्ट करके ना मज़ा ही आ गया। सो वी वर क्रेविंग फॉर जलेबी एंड यहाँ की जलेबी इतनी बढ़िया होती है, एकदम पतली सी एंड इतनी क्रिस्पी होती है ना, और इतनी परफेक्ट स्वीटनेस होता है इसके अंदर, मतलब मज़ा ही आ जाता है खा के। सो हम लोग आए हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए मूरथल पे एंड हम लोगों ने अभी पराठे खाए हैं। सुखदेव छोड़ के हम यहाँ पे आए हैं गाइस, और जहाँ पे कोई भी नहीं आया हुआ अभी तक, पूरा सब बंद है, यहाँ के लोग भी नहीं आए सफाई करने। क्यों आए हमें आप बता नहीं, और हम टोल दे के आए हैं, सबसे बड़ी बात 200 रुपए का टोल दे के आए हैं हम। अमृत सुखदेव के आगे एक ग्रीक हाउस थेम्स करके है एंड ये थेम्स बारबेक्यू का ही है, आई मीन इट्स द सेम कंपनी। एंड इतना प्रिटी बनाया हुआ है यहाँ पे एज यू गाइस कैन सी, मतलब इतना प्रिटी स्टेज एंड थोड़ा यहाँ पे ब्रिज टाइप बना हुआ है एंड अंदर का भी एम्बियंस बहुत सुंदर था, मतलब एकदम मज़ा ही आ गया। ये तो मैंने पहली बार देखा था। सो हमने यहाँ पे फ्राइज़ वगैरह खाए, ज़्यादा कुछ खाया नहीं था क्योंकि ऑलरेडी खा चुके थे हम। सो सब खा पी के हम चल दिए घर की तरफ एंड बहुत सारी बातें बातें करी एंड इतना प्यारा व्यू था। गर्मी तो बहुत थी बट बस वो एसी के अंदर बैठे थे तो इसलिए व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड या दैट वाज इट गाइस। सो आई जस्ट टुक अ शावर एंड अब थोड़ा मुझे फ्रेश फील हो रहा है, इतनी नींद आ रही थी ना क्योंकि बहुत जल्दी उठ गई थी 5:30। अब बस ऐसा लग रहा है कि मुझे सोना है बट अभी मुझे 2-3 काम है। तो राइट नाउ इट्स लंच टाइम एंड 1:30 हो रही है एंड मेरे को ना बहुत ज़ोर से कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। आई नो मैंने सुबह जलेबी खाई थी बट आई डोंट नो, कुछ ऐसा खीर टाइप खाने का मन कर रहा है। इतनी ज़्यादा अगर मैंने चीनी खा ली ना तो मेरे को डायबिटीज़ हो जाएगी। सो मैं सोच रही हूँ कि कुछ शुगर फ्री में बनाऊँ स्टीविया यूज़ करके। सो लेट्स सी, मेरा खीर या सेवियाँ खाने का मन है मेजरली, तो लेट्स सी कि क्या अवेलेबल है घर पर। सो फॉर स्टीविया आई एम गोइंग टू यूज़ दिस जिंदगी स्टीविया, दिस इज नेचुरल प्लांट बेस्ड स्टीविया एंड ऑब्वियसली प्लांट बेस्ड ही होता है। सो दिस इज नेचर स्वीटनर। रिसेंटली गॉट दीज थ्रू, ये ड्रॉप्स है एंड ये पाउडर वाला स्टीविया है। तो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ स्टीविया वाला पाउडर, मैंने पहले बहुत बार यूज़ करा है बट दिस इज़ अ न्यू ब्रांड सो आई एम गोना यूज़ दिस टुडे। सो इसमें लिखा है 0 कैलोरीज 0 कार्ब एंड 0 शुगर। लेट्स सी कि कैसा टेस्ट करेगा एंड इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। लेट्स गो एंड मेक सम सेवियाँ एंड मेरे को कुछ नमकीन तो ऑब्वियसली खाना ही है बिकॉज इट्स लंच टाइम। सो आई एम गोइंग टू ईट मोमोज क्योंकि मेरा मोमोज खाने का बहुत मन है बट बाहर से तो मैं अभी नहीं जा रही ना मेरा ऑर्डर करने का मन। सो हम घर पे बनाने वाले, घर पे बनाने बट फ्रोजन वाले। सो लेट्स गो, सो लेट्स मेक सम मोमोज। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, बेस्ट वे टू ईट पैन फ्राइड मोमोज। मैंने थोड़ा सा ऑयल करके इसको थोड़ा फ्राई कर लिया है। देन आई एम जस्ट गोना ऐड सम वाटर, हाँ हो गए हैं। इसको अब मैं एक बार क्या करती हूँ कि इसको ऐसे टिल्ट कर देती हूँ सो दैट दूसरी साइड से भी थोड़े पैन फ्राई हो जाए। ओके सो हमारे मोमोज हो गए हैं रेडी, लेट्स टेक देम। ओके गाइस, सो माय मोमोज पैन फ्राइड मोमोज आर रेडी एंड मैं थोड़ी फैंसी तरीके से खाने वाली हूँ चॉपस्टिक्स के साथ। लुक एट देम, दे लुक सो क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है एंड वी आर गोइंग टू डाइव राइट इन।
इतना टेस्टी है ना ये, उसकी जो सॉस होती है, जो डिप होती है मोमो सॉस, वो बहुत ही बढ़िया होती है। पर्सनली मुझे प्रसुमा के मोमोज बहुत पसंद है, चिकन वाले भी काफ़ी अच्छे होते हैं एंड वेज वाले भी हैं ही बढ़िया। उसके बाद हम खाएंगे बहुत ही टेस्टी सेवियाँ। तो हमने पैन में घी डाल दिया है अच्छा खासा एंड इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे एंड उसके बाद हम जा देंगे इसके अंदर सेवियाँ। यहाँ पे मैंने एकदम बारीक वाली सेवियाँ यूज़ करी है, आप इसमें वर्गीसेरी जो होती है वो भी यूज़ कर सकते हो, बट आई लाइक पतली वाली सेवियाँ मोर, मुझे घर वालों को भी बहुत पसंद है। तो इसमें बस हम इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, मेरा रोस्ट हो गई है अच्छे से, थोड़ा ब्राउन कलर आ गया है। अब इसमें हम डालने वाले दूध, इसको हमें ना बॉईल करना है अच्छे खासे 10-15 मिनट के लिए एंड बस ये ना ज़्यादा जो दूध है वो बॉईल होके बाहर ना आए, आपको ये देखना है। तो इसको बीच बीच में आपको स्टर करते रहना है एंड उसके बाद हमारी सेविंग ऑलमोस्ट रेडी हो जाएंगी। तो किचन हैक्स हमेशा काम आते हैं, इससे हमें हमारा दूध बॉयल ज़्यादा नहीं हुआ एंड लुक एट दैट, जो दूध है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। आई थिंक इसमें हमें थोड़ा और डालना पड़ेगा। मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड करा है, इसमें अब मैं डाल दूँगी अपने ड्राई फ्रूट्स, ये आलमंड्स स्लाइस्ड और कैश्यूज, इसमें आप चिरौंजी किशमिश सब डाल सकते हो बट आई मेजरली लाइक दीज टू ड्राई फ्रूट्स, तो मैंने इसमें ही डाल दिए। इसको थोड़ा सा एक अच्छा सा मिक्स कर देंगे। तो वैसे अब मैं डाल रही हूँ ये वाला स्टीविया, लेट्स सी कि इसका टेस्ट कैसा रहेगा एंड इसमें स्पून भी ऑलरेडी है। सो आई थिंक 1, 2 and 3 काफ़ी रहेगा। इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स एंड इतनी बढ़िया स्मेल आ रही है ना, ओह माय गॉड, मेरे पूरे किचन में बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है। मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ फॉर दैट एक्स्ट्रा फ्लेवर एंड हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गया, सो हम कर देंगे स्विच ऑफ एंड इसको मेजरली ठंडी करके अच्छी लगती है बट मैं थोड़ा सा गर्म गर्म भी पसंद है तो मैं गर्म खाने वाली हूँ। Guys, so here is my sevia and they look so delicious. Let me just try some. अब ये ठंडी नहीं हुई है बट मेरा इतना मन था सेविया खाने का और देख के तो my god. So let's try some. अभी काफ़ी गर्म है okay. So it's like almost खीर जैसा. They are so good. मतलब एकदम perfect sweetness है और stevia का बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है। सो जो जिंदगी ब्रांड का stevia था that is very good and बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि मैंने चीनी नहीं डाली है and it's just the perfect sweetness and best. So overall dessert काफ़ी अच्छा था lunch के बाद। अब हम मिलते हैं आपसे। Guys for dinner we have got चंगेजी चाप from Indus Flavor and Indus Flavor का खाना बहुत ही yummy होता है, so let's just try this. ये मैं पहली बार try कर रही हूँ एंड इसका ग्रेवी तो काफ़ी स्पाइसी लग रही है, मस्त सी। हियर इज माय प्लेट विद प्याज एंड चटनी एंड यहाँ मैंने ऑर्डर करी है बटर नान। इंडस ग्रेवी की चाप पहली बार ट्राई कर रही हूँ, यू गाइस वांट सम? आई वुड से कि थोड़ी सी स्पाइसी है, थोड़ी सी क्या, ज़्यादा ही स्पाइसी है। लुक एट दैट कलर। That's it for what I eat in a day vlog and I hope you guys like this vlog and आपको भी बहुत ज़्यादा cravings हुई होंगी different different चीज़ों की। So if you like this video then don't forget to hit the like button and also please do subscribe to my channel and you can also follow me on my Facebook and Instagram handles, the link is in the description box below and I will see you guys super soon with another video. Bye.